गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा दसवीं की विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कहता है आपने अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो देखो ये सभी अभिक्रियाएं कर जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के साथ। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है, लोहे का तवा तसले को नमी वाली वायु के वायुमंडल में छोड़ दे तो उस पर धीरे धीरे जंग लगने शुरू हो जाता है। भोजन जब पकाया जाता है तो भोजन पकाने में उसको हम गर्म करते हैं तो वो एक क्रिया होती है भोजन पकाने की, और उसके बाद भोजन में स्वाद आ जाता है और भोजन पक भी जाता है। कच्चे भोजन को खाने में और पके हुए भोजन को खाने में अलग अलग स्वाद होता है, अंतर होता है। हमारा शरीर में भोजन पच जाता है, कैसे पचता है इसके, हमारे शरीर के अंदर भी अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया और जो समीकरण चैप्टर का नाम जो दिया गया है, इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में इसका अर्थ क्या है, हमने ये जानना है कि इसमें किस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती हैं। और जो भी आपके प्रश्न दिमाग में आ रहे होंगे उनका जवाब इस चैप्टर में देने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती कैसे हैं या इनका वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं एक आपको सिंपल उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग घर में चाय बनाते हो वो भी एक किस्म से रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो चाय बनाते टाइम सबसे पहले आप उसमें पानी चीनी चाय पत्ती डालते हो, उसको गर्म करते हो, चाय पत्ती गर्म होने के बाद धीरे धीरे रंग छोड़ने लग जाती है और उसके बाद आप उसमें दूध डाल करके चाय को तैयार कर लेते हो, उसके बाद छान करके उसको आसानी से पी लिया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, चाय बनी आपकी चीनी चाय पत्ती दूध और पानी से, लेकिन अब उसका स्वाद भी बदल चुका है, उसका गुण भी बदल चुका है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा ही होता है कि जिन चीज़ों से मिलकर के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसके बाद उसमें उसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं किसी नई चीज़ के अंदर, जिनसे जो उन चीज़ों के मिलने से बनती है उस चीज़ में वो गुण बदल जाते हैं। यहाँ दिया है एक क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप में आप शिक्षक का सहयोग की आपको आवश्यकता है। तो इसमें कहा गया कि मैग्नीशियम का रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ कर लेना है और फिर उसको चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप पर बर्नर की सहायता से आपने उसको जलाना है। तो जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन दहन करते समय आपको अपनी आंखें उससे थोड़ी दूर रखनी है, उसके ऊपर झुक करके नहीं देखना। तो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद एक सफ़ेद पर राख छोड़ता है, वो राख क्या होती है, वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा कि चमकदार सफेद लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह है सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो आपने पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन एक सफ़ेद लोह के साथ जलता है जो एक सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है। अब इसमें आगे है क्रियाकलाप 1.2, कहता है एक प्रखनली में लेड नाइट्रेट यानी शीशा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल
मिला दीजिए। अगला क्रियाकलाप कहता है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए और इसमें हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है। इसको मिलाते टाइम सावधानी रखनी है। तो कहता है इसमें आपने क्या देखा, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक दानेदार जिंक मिलता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, H2 गैस। तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि वह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, देखो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर गैस बनेगी, उत्पन्न होगी, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब अगला टॉपिक है इसमें रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहता है, क्रियाकलाप 1.1 में का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक समीकरण का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षेप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर जो अभिक्रिया दी गई थी उसका शब्द समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने लिया था मैग्नीशियम और उसको हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया था, तो मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिक्रिया होते टाइम, अभिक्रिया जब होती है तो जिन जिन चीज़ों से वो अभिक्रिया हो रही है उन सभी को बोला जाता है अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ बन करके आती है उसको बोलते हैं उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में, ये अभिक्रिया 1.1 है, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन हो गया तो इनको बोला गया अभिकारक। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का, कौन सा वो नया पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसको बोलते हैं उत्पाद। जब हम शब्द समीकरण लिखते हैं तो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तनों को उसके बीच में एक तीर का निशान लगा करके लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया, इन दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया। जो अभिकारक हैं उनमें जमा का निशान लगाया जाता है और जो उत्पाद बन करके आते हैं उनके बीच भी जमा का निशान लगाया जाता है, चाहे वो जितने भी उत्पाद बन करके आए। अभिकारकों के बीच योग का निशान लगाकर उन्हें बाई तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है और उत्पादों को राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है, उनके बीच में भी तीर का निशान, अगर एक से ज़्यादा अधिक उत्पाद बनते हैं तो जमा का निशान उनके बीच भी लगाना है। अब है रासायनिक अभिसमीकरण लिखना। तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, तो देखो रासायनिक समीकरण को लिखने की इससे भी छोटी विधि है। अगर हम इन जो हमने यहाँ पर शब्द लिखे इनका हम संकेत रूप में लिख दें, जैसे मैग्नीशियम को हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ पर ये बन जाएगा Mg+O2 और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर इनकी तुलना कर सकते हैं, क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसमें परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं इधर ऑक्सीजन का एक ही है, तो ये अभी एक असंतुलित समीकरण है, हमने इसको संतुलित करना हम आगे सीखने वाले हैं। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण
कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। ये जो समीकरण दे रखे ये कंकाली अभिक्रिया है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? तो कहता है आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था 9वीं कक्षा में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है न ही विनाश हो सकता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। हमने वहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया था, तो